हेलो भाई, मैं विवेक। और आज की वीडियो में भाई हम बात करेंगे अपने इस ट्रैक्टर के प्लाउ लैंप के बारे में। अभी इसको आप किस तरह से रिपेयर कर सकते हो वो दिखाऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। और साथ में आप कमेंट करके ये भी बताना कि क्या अपन ब्लॉग टाइप एक आध वीडियो मतलब बना दी जाए अपने चैनल पे। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक दो वीडियो, जैसे अभी ये काम चल रहा है या फिर अपना गेहूं का चलेगा तो मेरे पास टाइम रहेगा नहीं, तो ये जो काम चल रहा है इसका ही एक ब्लॉग टाइप वीडियो अगर आप देखना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हो, तो अपन वो भी बना देंगे। फिलहाल अपना ये जो लाइट है एक बार चालू करके देखते ना इसको। ये देखो भाई, ये नहीं चालू हुआ और शायद इसका लाइट अंदर से जो है वो ख़राब हो गया होगा, क्योंकि इसका फ्यूज नहीं ख़राब हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये है अपना फ्यूज बॉक्स। इसमें कारण क्या क्या होता है, अगर जैसा आपका लाइट जैसा नया ट्रैक्टर है आपका और ये लाइट आपका बंद हो गया, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ चेक करें। सबसे पहले भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है प्लाउ लैम्प, दूसरे नंबर पर लिखा है हाँ ये वाला प्लाउ लैम्प। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे चेक करो, ये बॉक्स को हटाओ, इसके नीचे होगा फ्यूज, फ्यूज चेक कर लो। अगर फ्यूज सबसे ज़्यादा इसमें यही होता है कि भाई आपका फ्यूज ख़राब होता है पहला, दूसरा होता है लाइट ख़राब जो नए ट्रैक्टर है। बाकी जैसे थोड़ा पुराना हो गया तो उसमें वायरिंग का भी हो सकता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप फ्यूज चेंज कर सकते हो। ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पे फ्यूज बॉक्स, सभी ट्रैक्टरों का अलग अलग रहता है, जॉन डियर न्यूहॉलैंड में यहाँ पे रहेगा, तो सभी ट्रैक्टरों में फ्यूज बॉक्स होता है। बाकी इसके ऊपर अगर आप पन्नी देख रहे हो ना, तो ये मैंने इसलिए लगाई ताकि इसके अंदर धूल ना जाए, क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था इसके अंदर रोटावेटर का पूरा धूल चला गया और अपने आगे के जो फ्रंट लाइट है वो चालू नहीं हो रहे थे। मैंने सब वायरिंग देख ली, आखिर में इसको जब धुलवाया तो इसका धूल साफ हुआ और वो ऑटोमेटिक ऑन हो गए। तो इसका भी फ्यूज बॉक्स भी अगर कभी आपके साथ भी ऐसा होता है तो फ्यूज बॉक्स को आप साफ कर लें और आपके सारे फ्यूज इसमें लगा दें। बाकी अपने ट्रैक्टर में जो प्रॉब्लम है वो अगर बताऊं तो इसका शायद लाइट खराब होगा, क्योंकि इसका फ्यूज तो थोड़ा सा बड़े साइज वाला इसमें डला हुआ है, मतलब तार बांध दिया है मैंने सीधा सा इसमें। इसका कारण भी ये है क्योंकि मैं इसके साथ काफी चालें करता हूँ, कभी आपने देखा होगा एलईडी या फिर लाइटिंग का, इसलिए यहाँ पे फ्यूज थोड़ा सा मोटा है। और ये काफी समय से अपने पास चल रहा था ये लाइट, लगभग हो गए इसको 10 से 11 साल, तब से मैंने चेंज नहीं कराया। एक बार नीचे उतर के दिखाता हूँ और वायरिंग भी आपको इसकी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले अगर सिस्टम देखोगे तो ये शायद लाइट ही ख़राब है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, बाकी खोल के पता चलेगा। और यहाँ से इसकी ये जो वायरिंग है ये भी काफ़ी मजबूत है, थोड़ी सी ये देखो छिल गई है, लेकिन फिर भी ये काम करेगी अभी भी। और यहाँ पे इसका अर्थ ये हो गया प्लस पॉइंट। और इसका जो पूरा वायर है ये देखो पूरा अलग से डाल के देती है कंपनी, उसका कारण ये है क्योंकि इसको मतलब ज़्यादा करंट लगता है, इसलिए इसका पूरा वायर भी अलग है। कभी वायर ख़राब हो तो आप पूरा वायर भी चेंज कर सकते हो। ये यहाँ से देखोगे आप, वायरिंग देखते जाओगे तो पूरा नीचे से आपको इसका सिस्टम मिल जाएगा। बाकी इसको खोलते हैं और साथ में एक चीज और करने वाले हैं इस वीडियो में, यहाँ पे अपन जो है एक एलईडी डाल देंगे। ये आपको याद हो तो मैंने इसमें हेलोजन लाइट डाला था सेम, लेकिन वो भाई सक्सेस नहीं हुआ। उसका कारण यही था कि उसमें लाइट मैंने काफी बड़े साइज का डाला था, वो कभी बायर जलाता था या फिर कभी लाइट मतलब सक्सेस नहीं है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल रहेगा। और सबसे बेस्ट अगर आपको बताऊं, एक हेलोजन तो हो गया, यहाँ पे आप एक एलईडी डाल लो, तो यहाँ पे अपन एक एलईडी लगा देंगे। एलईडी लगाने की दो तीन जगह, एक तो ये मैंने लगवाया था, बाकी यहाँ पे डाल सकते हो, बहुत से भाइयों के ट्रैक्टर में होता है यहाँ पे लगवा लो। और सबसे बेस्ट जगह आपको बताऊँ तो वो है भाई ऊपर छत के ऊपर, यहाँ पे अगर लगवाओगे ना तो पूरा पीछे तक आपको लाइट भी मिलेगा और दिखेगी भी अच्छी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन अपन इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि इसका जो छत है वो देखो फट गया, ये छत पूरा निकलेगा, उसके बाद में यहाँ पे वेल्डिंग कराना पड़ेगा, तब इसमें आएगा मज़ा। बाकी फिलहाल यहाँ पे एक लगा देते हैं और एलईडी को भी थोड़ा सा रिपेयर करना है, वो भी आपको दिखा दूंगा। और इसे भी खोल लेते हैं तो इसमें भी पता चल जाएगा कि भाई अपना लाइट ख़राब है या दूसरा कुछ सिस्टम हो गया है। बाकी एक चीज़ और दिखाऊं, अपनी प्लेट को मैंने घिस घिस के इतना साफ कर दिया, जो आप बोल रहे थे भाई इस पर पेंट कर दो, तो इस पर ब्लैक ही करेंगे क्योंकि गोल्डन फिर मेरे को भी लगा कि भाई उतना खास लगेगा नहीं फ्रंट में, इसलिए इस पर ब्लैक पेंट कर देंगे। और वो लाइट को खोलते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। भाई यहाँ पर है अपने पास ये एलईडी, एक ये बली है, ये जो आगे लगी थी एक वो रखी है, दोनों सेम है, लेकिन ये काफ़ी चली भी और काफ़ी बढ़िया भी, मतलब HID से हज़ार बार ये बढ़िया है। इसके अंदर थोड़ा सा धूल है, इसको मैं साफ़ करने की सोच रहा था लेकिन फ़िलहाल नहीं करूँगा, इनको जब अपन ऊपर डालेंगे तब इनको साफ़ करेंगे, अभी मेहनत करके कोई मतलब है नहीं। फ़िलहाल तो इन्हें यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे लगा दूंगा, एक तो अपनी सिंपल बाहर ही रहेगी, इसे एक को लगाना है क्योंकि एक की जगह भी है यहाँ पे, बाकी लगा तो सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, मेरे को जितना चाहिए वो मिल जाएगा इस सीजन के लिए, बाकी फिर यहाँ पे ऊपर डालेंगे अपन। तो ये वाला सिस्टम भी मैंने खोल लिया, लाइट देखोगे तो ये लाइट ही ख़राब है, ये टूटा तो नहीं है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं जल रहा, ये यही ख़राब होगा शायद।
काला पड़ गया है पूरा, और इसके ऊपर भी थोड़ा सा पेंट मार दिया है क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कार्बन लग रहा था, और सिस्टम सारा खोल लिया है। बाकी इसके लिए अलग स्विच लगा देते हैं, वैसे पहले मेरा मन नहीं था एलईडी के लिए, देखेंगे अलग लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी से कनेक्शन कर देंगे क्योंकि उसको बहुत कम बैटरी लगती है, ज़्यादा बैटरी लगती तो फिर दो कनेक्शन करते, नहीं तो उसी से सिंपल ले लेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो भाई इसका जो बल्ब था वो मैं लेके आ गया, और कितने का है वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर देखोगे एक मिनट, ये देखो 100 रुपये का, MRP 100 है। अब इसमें 100 रुपये का क्या है, लेकिन ये उससे बड़ा है जो अपना गोल था ये वाला सिंपल, अभी इससे ये बड़ा है। हेलोजन तो खैर वो भी था, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा है ये वाला है, ये देखो। और अपने 735 में भी सेम ये वाला डला है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका यही है कि ये कभी कभी वायर को ख़राब कर देता है ज़्यादा यूज़ होने पे। जैसे उसमें तो अभी काफ़ी समय से चल रहा है, एक बार इसे चालू लगाते हैं और फिर आपको चालू करके दिखाते हैं कि इसका लाइट उससे ज़्यादा है या नहीं। तो भाई सारा सिस्टम अपना डल चुका है और ये भी चालू हो गई, लेकिन फिर भी ये नहीं जला। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट तो सही है, लेकिन ये लाइट भी मतलब सही है और वो लाइट भी सही था, वो वाला मतलब ब्लैक तो है लेकिन वो यहाँ से भी अगर देखोगे ना तो फ्यूज नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कार्बन आर्बन आ गया, तो चेंज करके देख लेते हैं। बाकी इसमें समस्या और कुछ है? हाँ समस्या और कुछ है, और वो देखना पड़ेगा क्या है, शायद अर्थ की हो सकती है, तो एक बार चेक करते हैं उसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी यहाँ पे हमने देखा तो इसके अंदर जो है वो करंट नहीं मिल रहा था अर्थ वाले में, फिर हमने अलग से अर्थ दिया तो ये चालू हो गया। इसका मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे घीस के थोड़ा सा कार्बन हटाते हैं, उसके बाद में फिर ट्राई करके देखते हैं। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो रात हो चुकी है, और अभी इसके अंदर जो अपन ने लंबे वाला लाइट डाला था वो 100 रुपये का था, हेलोजन, मतलब हेलोजन तो ये भी है लेकिन उसका लाइट काफ़ी ज़्यादा रहता है इसलिए मैंने डाला था। लेकिन इसके अंदर पता नहीं क्या सिस्टम लगा हुआ है, ये करंट इतना ही देता है जितने में ये वाला जलता है गोल वाला, उतना ही करंट निकालता है। और इसकी बात करें तो इसमें लगा है, मैं जो आपको दिखा रहा था ये देखो, इसमें लंबे वाला है अगर दिखे तो, ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब तेज लाइट भी है और इसमें ऐसा कुछ सिस्टम है कि ये बढ़िया जलाता है, लेकिन ये नहीं जला पाता, लाइट में उतना ही करंट देता है इसके लिए, मतलब इतना जितने में ये वाला गोल वाला जलता है। लेकिन अपन ने लंबा डाला था तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था और लाइट भी गर्म था। अभी वापस से अपने पास है गोल वाला और इसको डालते हैं, उसके बाद में फिर चेक करते हैं निकालना इसको, और एक बार आपको ये भी चालू करके दिखाता हूँ एलईडी। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का मैंने जुगाड़ लगाया है, ये देखो भाई कुछ इस तरह का जुगाड़ वायरिंग, और वायरिंग अपनी यहाँ से गई अंदर पाइप से, इसको और थोड़ा सा टाइट कर देंगे। और अब एक बार चालू करके दिखाऊं तो नहीं हुई चालू, उसका कारण ये है कि चाबी बंद है अपनी, और ये हो गई चालू, ये देखो भाई लाइट इसमें, मतलब ये हेलोजन डालने के बाद भी इतना लाइट नहीं होगा जितना एक एलईडी का है। ये देखो अभी तो इधर शटर आ गई तो इसमें ये लग गया, नहीं तो और काफ़ी दूर जाता। काफ़ी बढ़िया लाइट है, अपना काम इतने में आराम से हो जाएगा। बाकी इसको लगाते हैं और फिर इसके भी चालू करके देखते हैं। एक मिनट, ये इधर जाएगा, घुमा, हाँ अब लगा, दबा के लगा, दबा घुमा दे, अब चालू करके देखते हैं, ये नहीं गिर जाएगा इनका लाइट। अब ये लगा दिया इधर तो इसका लाइट तो फिर कोई काम का ही नहीं लग रहा है, इसको बंद कर लेते हैं तो बेकार लाइट है ये, कुछ भी नहीं है। अब इसकी आदत हो गई, इसकी आदत नहीं है, लेकिन फिर भी शायद मेरे को लग रहा है ये तेज लाइट देता था जो कंपनी वाला था ये, और ये इसका काफ़ी कम है। देखेंगे शोरूम पर जाएंगे तो फिर वहाँ से लेके इसमें डाल देंगे, बाकी इतना कुछ लाइट है इसका। अब इसको करते हैं फिट, फिर दोनों को साथ में जला के आपको दिखाऊंगा और करते हैं अपनी वीडियो को एंड। तो भाई अब बारी है नाइट का व्यू दिखाने की, और करते हैं स्विच, यहाँ से किया ये ऑन, अभी इसका लाइट देखना सबसे पहले हेलोजन का, ये देखो भाई मतलब ठीक ठाक तो खैर क्या ही ठीक है, ये देखो इतना लाइट है इसका फ्लैश बंद करने के बाद। लेकिन इसका जो ओरिजिनल था, मतलब जो कंपनी ने अपने को लगा के दिया था, उसका लाइट ज़्यादा था, क्योंकि जब तक ओरिजिनल था मेरे को इस मतलब इस साइड कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जैसे अभी तो एलईडी लगा दी, इससे बढ़िया काम चल रहा था। शोरूम पर जाएंगे तो अगर अपने को ये मिलता है तो ये वाली चीज़ लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाई कोई काम का नहीं है। जो अपन ने पहले लगाया था वो भी इतना ही जल रहा था, उसका कारण ये था कि उसको मतलब फुल करंट नहीं मिल पा रहा था, इसमें वायरिंग में शायद अंदर कुछ सिस्टम है कि इसमें इसी प्रकार का लाइट सक्सेस रहेगा। बाकी अगर बात करें एलईडी की तो इसका लाइट देखो भाई, ये देखो इसको बोलते हैं लाइट, बाकी ये तो ऐसा ही है कि
इसको भी करता हूँ चालू। ये देखो काम चलाऊ चीज है, बाकी कोई मतलब वाली है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी अगर ये एलईडी दो अगर यहाँ पे लग जाए भाई छत के ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे एक वहाँ पे, सबसे बेस्ट रहेगी। और वहाँ तक आपको ट्रॉली में क्या चीज़ रखी है वो भी पूरा लाइट दिख जाएगा। अभी तो ट्रैक्टर नीचे खड़ा है और ट्रॉली ऊपर है, तो इसे इसलिए मतलब फिर भी थोड़ी सी आपको ऊपर लग रही होगी। बाकी इसका छत काफ़ी ऊंचा है और ये एलईडी यहाँ लग जाए तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे लगा दिए। जब इसका ये छत पूरा चेंज होगा तब ये जुगाड़ करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी थोड़ी सी बिल्डिंग का काम है वो होगा। बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, और मैं सोच रहा हूँ कि भाई इसके जो मीटर की लाइट है ये भी चेंज कर दें, क्योंकि हेलोजन है थोड़ा सा अजीब लगते हैं। आपको दिखाऊं अगर तो, ये देखो भाई ये पूरा हेलोजन सिस्टम मिलता है। वैसे स्वराज में तो अभी तक हेलोजन सारे मॉडल्स में मिल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एलईडी लगा दें। आप कमेंट करके बताना। बाकी ये जुगाड़ इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, जुगाड़ से इनके अंदर लाइट फिट करना पड़ेगा, इसे नॉर्मल नहीं होगा। तो बाकी आज की वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच।